नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं पिछले 18 सालों से आयुर्वेद की पद्धति में चिकित्सा कर रहा हूँ। आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। स्वागत है आपका हमारे हेल्थ प्लस चैनल पे। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में कुछ जिज्ञासा सी होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ र्यूमर्स होते हैं। जिन सवालों का वो जवाब पूछना चाहते हैं उनके उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाते। आज मैं आपके सामने इसीलिए हूँ कि जो लोगों की कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, उनका सही जवाब दे सकूँ। देखिए, विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। जनरली आजकल लोग जानते ही हैं कि विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है, और आजकल हम सिर्फ धूप से ही बचते हैं। सभी लोग धूप से बचने के लिए अनेक तरीके अपनाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और लोग ये भी जानते हैं कि विटामिन डी की कमी हो जाने के कारण कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन बोन्स में नहीं होता। लोगों को सिर्फ इतनी जानकारी पता है कि अगर हम हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं या हड्डियों के दर्द से बचना चाहते हैं तो हमें विटामिन डी लेना पड़ेगा। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा गया है उसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। विटामिन डी की कमी होने से भी इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे इरेक्शन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विटामिन डी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वैसोडाइलेशन करता है, और वैसोडाइलेशन होने के कारण ही पेनाइल में ब्लड फ्लो ठीक होगा, और ब्लड फ्लो ठीक होने के कारण ही प्रॉपर इरेक्शन आएगा। तो हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए आप किसी भी चिकित्सक के पास जाएं तो ज़रूर उनसे कहिएगा, या उनको इसकी जानकारी भी होगी कि आप जांच ज़रूर कराएं, और अगर विटामिन डी की कमी आती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आपका इरेक्शन की प्रॉब्लम का भी समाधान होगा। बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जैसे B3 है, B6 है, B9 है, या L-arginine है, और विटामिन सी है। इनसे जो होता है काफ़ी हेल्प मिलती है इरेक्शन के लिए। अगर किसी के शरीर में ये विटामिन जो हैं कम हैं, और अगर हम उनका टेस्ट कराते हैं, जनरल टेस्ट कराते हैं, तो अगर ये विटामिन वगैरह कम मिलते हैं तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इन सारी विटामिन से बचने के लिए आपकी डाइट अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट को ऐसा रखिए कि आपको विटामिन्स वगैरह की कोई कमी ना हो, जिससे यौन समस्या जैसी परेशानियों से आप बच सकें। मैं गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूं, और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या है तो अगर आप आसपास रहते हैं तो आप आके मेरे क्लिनिक पर मिल सकते हैं। अगर आप आने में असक्षम हैं या दूरी ज़्यादा है तो आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको सुझाव दे दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी औषधि की ज़रूरत है जो मेरे द्वारा बताई गई है, अगर आपको नहीं मिलती है, आपके आसपास नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ कोरियर की भी फैसिलिटी है, आपके घर तक हम दवाई भी पहुँचाते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी से लाभ हो रहा है, या आपको लगता है कि ये जानकारी आपके सुझाव के लिए बहुत अच्छी है, या आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई और सवाल है तो वो भी आप जानकारी मांग सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई बात से आप प्रसन्न हैं या संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।